हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सीखे थे आरओ फ्लशिंग किट कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में आपको मैं पूरे आरओ की वायरिंग पूरी तरीके दिखाऊंगा। ये फ्लोट स्विच है अपना फ्लोरेस्टर का, यहाँ से नीचे बैठेगा। मैंने क्या हुआ, एसएमपीएस का वायर यहाँ पर फ्लोट स्विच तक जाता नहीं, कम गिर रहा है, इस वजह से मैंने ये एक्स्ट्रा वायर लगाया वाला है। ये मैंने प्लस का वायर है, एक फ्लोट में जाएगा वो ऐसा, ए प्लस में जाएगा, ए माइनस का है आर ओ का, और ए प्लस का है ऐसा। प्लस का वायर इसमें फ्लोट में ऊपर जाएगा और नीचे से प्लस निकलेगा। इसमें अभी सब प्लस की वायरिंग करनी की है, प्लस की वायरिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले पंप का प्लस लीजिए, ये देखिए पंप का प्लस लिया आपने। इसके बाद सोलनाइट वाल एसबी, इसका प्लस, अपनी ईवी ट्यूब का प्लस, और अपना फ्लशिंग किट का, फ्लशिंग किट का रेड वायर लेने का। कितने वायर हो गए आपने, ये देखिए, ये एसएमपीएस का प्लस का, पंप का, एसवी का, ये ईवी लाइट का, और फ्लशिंग किट का, ये पांच वायर होंगे। 1 2 3 4 5 पांच वायर है। इसे सीधा इसे टैप लगा देंगे, ये पांच। अब माइनस के पांच वायर ले लेंगे। माइनस के कौन से, ये देखें, ग्रीन वायर तो एसवी में फ्लशिंग किट के जाएंगे, ये दूसरा प्लस वायर एसवी का। ये दोनों वायर प्लस माइनस फ्लशिंग किट में कुछ नहीं रहता, किसी में भी लगा सकते हैं आप। ये मैंने अभी फ्लशिंग किट का एक वायर लिया, पंप का माइनस का, यूट्यूब का अपना, और एसवी का इधर का। ये भी पांच होने चाहिए, ये देखिए अभी 1 2 3 4 5 5 वायर है। इसको भी टैप लगा देंगे, ये देखिए अभी ये फ्लशिंग किट के दो ग्रीन कलर के वायर, फ्लशिंग किट के एसवी नहीं कपने बनाने वाली, इसमें जाएंगे। फ्लशिंग किट के चार वायर में से एक रेड कलर के वायर एक माइनस में गया, एक प्लस में गया। इधर के ग्रीन कलर के वायर ये फ्लशिंग किट बन एसवी नहीं बनाया अपने फ्लशिंग किट किट, इसको जगेंगे एक माइनस में एक प्लस में, इसका कुछ माइनस प्लस नहीं रहता है। अभी यहाँ से देखो मेम्ब्रेन का आउट पानी यहाँ से जाएगा इस पाइप से, मैंने यहाँ से पाइप लगाया वाला है, दिख रहा हूँगा तो आपको। यहाँ से मेम्ब्रेन का आउट पानी जाएगा, यहाँ से फ्लश होके यहाँ से अपना नीचे आउट आ जाएगा, यहाँ से इस पाइप से अपने यहाँ पे सेडिमेंट कार्बन हो सब बिटेंगे। अगली वीडियो में आपको मैं पूरा सेडिमेंट कार्बन बना के दिखाऊंगा कैसा है। ये देखिए अपनी आईसी वायर, ये अपना फ्लोट, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा फ्लोट कैसे चलता है अभी।
क्या रहता है, यहाँ से प्लस वायर गया, यहाँ से प्लस निकलेंगे, टंकी भरने के बाद वो फ्लोट वाल्व ऊपर जाएगा, वो कट ऑफ कर देगा अपने, टंकी फुल भरने के बाद कट ऑफ हो जाएगा वो। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, आपने वायरिंग हुई क्या नहीं। ये देखिए अपनी वायरिंग, ये भी ट्यूब चल गई, ये चल गई। अभी देखो, अब मैं फ्लोट फ्लोट वाल ऊपर लूंगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सबसे यहाँ से वायरिंग रहती है, ऊपर लिया बंद हुआ। आपको समझ में आए होंगी वायरिंग, एक बार और मैं बताता हूँ। आर ओ के क्या कीजिए, एस एम पी एस का प्लस वायर सीधा फ्लोट में जाएगा, यहाँ से प्लस वायर, यहाँ से प्लस वायर निकलेगा, यहाँ पांच वायर, इसमें क्या करेंगे, प्लस में एक पंप का वायर, एक एस वी का वायर, ई वी लाइट का वायर और फ्लशिंग किट का वायर, ये पांच वायर आएंगे इसमें। और माइनस में भी ये पांच वायर आएंगे, फ्लशिंग किट का एक, एक माइनस का वायर, एक एस वी का वायर, एक पंप का वायर और एस वी का, इधर के एक हो गए। और इधर में फ्लशिंग किट में दो ग्रीन कलर के इस एस वी में जाएंगे वायर। थैंक यू। अगली वीडियो में आपको मैं पूरा असेंबल करके दिखाऊंगा, मेम्ब्रेन, सेडिमेंट, कार्बन, यूवी, अल्कलाइन फिल्टर बना के दिखाऊंगा। थैंक यू।